आज भाई मेरठ में हम एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ के छोले भटूरे इतने ज्यादा मशहूर है कि आपने मतलब आप देख के क्या आप हैरान रह जाने वाले हो कि इतनी क्वांटिटी में यहाँ भटूरे बनते ही जाते हैं। आप ये देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, आप यहाँ चेक करो भटूरे की क्वांटिटी, चेक करो भाई, गिन नहीं पाओगे इतने ज्यादा भटूरे यहाँ पे लगते हैं। साथ में कंटिन्यूसली जो है ना यहाँ पे गर्मा गर्म भटूरे रखते रहते हैं। नमस्कार भैया, आप ही लगाते हो भटूरे? क्या नाम है आपका? सुभाष। तो भाई देखेंगे आप, ये सुभाष भैया जो है कंटिन्यूसली भटूरे फ्राई कर रहे हैं और ये भाई साहब जो है कंटिन्यूसली हाथों से ही बेल बेल के इन्हें बना रहे हैं। आप ये देखिए, इसके अंदर पिट्टी वगैरह भी होती है? दाल की। अच्छा, तो भाई जैसा भटूरे में होता है ना, दिल्ली में पनीर वगैरह डालते हैं, यहाँ पे जो है ना दाल की पिट्टी डाल के भटूरे बनाए जाते हैं। और कंटिन्यू मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना हाथ इनका रुकता नहीं है, बनाते ही जाते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे जो है ना पूरा इन्होंने टायर बना रखा है बढ़िया से। ये देखिए, एकदम गोलम गोल मामला है। और भैया कितने भटूरे लग जाते हैं एक दिन में? कम से कम 1000। 1000 के आसपास? तो भाई 1000 के आसपास यहाँ पे भटूरे लग जाते हैं मेरे ख्याल से। 200-400 तो यहाँ पे पड़े भी होंगे। अंदर चल के ना अंकल जी से भी बात करवाएंगे आपकी। अंदर चलते हैं, ये सीधा चलते हैं अंदर और आपकी ओनर से ही बात करवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? शुक्र है परमात्मा का। पिंकी छोले भटूरे ना नाम बहुत सुना है आपने। सब ईश्वर की कृपा है। नहीं, हम वैसे दिल्ली से हैं लेकिन पिंकी छोले भटूरे वहाँ तक मशहूर हैं आपके। धन्यवाद। लोग बोलते हैं मेरठ जब भी जाना छोले भटूरे इनके जरूर खा के आना। क्या ऐसा खास डालते हो? हमारे यहाँ बिना प्याज बिना लहसुन के बनाते हैं हम लोग। अच्छा, प्याज लहसुन डालते हैं? प्याज लहसुन डालते हैं, अलग से देते हैं प्याज। अच्छा, और ये सब ईश्वर की कृपा, ग्राहकों का प्यार है। तो कितने साल हो गए इसको? हमको हो गए सर 43 इयर्स। 43 इयर्स? 43 साल। पहले पापा बनाते थे? हाँ जी, हाँ जी, हमारे पिताजी के बाद हम आगे, हमारे आगे बच्चे आ गए। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है। तो एक बार छोले देख सकते हैं क्या? आजा सर, आजा। भाई ये आप चेक करोगे ना, यहाँ पे इतने बढ़िया यहाँ पे गाढ़े गाढ़े छोले हैं और इनमें कुछ नहीं होता प्याज लहसुन वगैरह। हाँ जी, हाँ जी, बिना बिना शुद्ध वैष्णव। ये क्या डाल रहे हैं आप अभी? ये आप ये देखिए, छोलों में जो है ना तड़का भी साथ साथ लगता रहता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो छोलों का कोई स्पेशल मसाला आपने बनवा रखा है? सर मसाले जो है ना हम अपने ही पिसवाते हैं। इसमें कम से कम जो है 25 चीजें होती हैं। 25 मसाले पड़ते हैं, दिल के एक मिश्रण बनता है। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है भाई। छोले आप चेक करेंगे ना, एक बार चला के दिखाएंगे छोले। ये देखिए आप, कितने बेहतरीन छोले हैं, बहुत जबरदस्त। सुबह से शाम तक खुलता है आपका? सुबह सर हमने लिखा रखा है, ये भी शूट करो, सुबह सात बजे से लेके प्रभु इच्छा। अच्छा, सुबह 7 बजे से लेके प्रभु इच्छा तक। हाँ, बाकी कैसे वो चाहेगा तक चलता रहे। हाँ, क्या बात, 5 बजे तक तो बनाती है। 5 बजे? 5 बजे हमारी जो एक सातवीं शॉप है। हाँ, वो भी अपनी। अच्छा, वहाँ 6:30 बजे दो शॉप है आपकी? अच्छा, आगे भी एक और है। ये हम दोनों ब्रदर बैठते हैं, वहाँ दोनों बच्चे बैठते हैं। बहुत बढ़िया। जो प्लेट जो है आप ही लगाते हैं अपने हाथ से? जी सर, जी सर। तो सर ये कितने रुपए की प्लेट है आपकी? सर हमारे यहाँ एक प्लेट 50 रुपए की देते हैं, 10 रुपए का रहता देते हैं। हाँ जी, दो गुलाब जामुन 30 रुपए की देते हैं। दो गुलाब जामुन, दो भटूरे एक प्लेट में? एक प्लेट में दो भटूरे आते हैं। अच्छा, 50 रुपए और 10 रुपए का रहता है, और 30 रुपए के दो पीस गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कहाँ है? ये इनके गुलाब जामुन है, आप चेक करिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये। तो ये सर ये खुद ही बनवाते हैं आप? खुद सारा काम खुद करते हैं, सारा काम खुद ही का है, बाहर से कुछ नहीं लेते, बाहर से कोई रेडीमेड कोई मतलब नहीं है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी प्याज वगैरह भी कटी हुई है। तब एक प्लेट में क्या क्या डालते हैं आप बेसिकली? छोले भटूरे, दो अचार, मिर्च, प्याज। एक प्लेट लगा के ही दिखा रहा हूँ भाई, प्लेट देखो। ये आ गई जी अपने छोले, छोले रिफिल भी हो जाते हैं, रिफिल हो जाते हैं छोले। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में आगे प्याज तैयार है प्लेट? दो बार ले, तीन बार ले। ये क्या डाल रहे हैं हम? ये अचार, मिर्च, मिर्च का अचार, और दूसरा कौन सा? ये मूली का अचार है। अच्छा, हाँ जी, क्या बात, मूली का, गाजर का, घीएगा। साथ में और क्या देंगे? भटूरे आएंगे? हाँ जी, हाँ जी, भटूरे डलवा दो भाई। ये देखिए गर्मा गर्म जो है ना यहाँ पे भटूरे फ्राई हो रहे हैं। दो भटूरे निकाल दो भैया, बढ़िया से गर्मा गर्म फुला के एकदम। भाई यहाँ अंकल आप देखेंगे इतने प्यारे हैं ना, इतने बढ़िया से बात करते हैं और सबसे पूछते भी रहते हो कि कुछ खाना पीना, गुलाब जामुन वगैरह।
ये इतना बढ़िया नेचर है आपका, तो तारीफ करके जाते हैं लोग, नहीं करके जाते हैं। थैंक यू आपका। तो भाई अपनी यहाँ पे प्लेट आ चुकी है, आप पास आ जाइए। ये देखिए सबसे पहले ना इनके छोले चेक करेंगे आप, काफी छोटे वाले छोले हैं, मोटे वाले नहीं है, और ना बढ़िया से घुले हुए हैं एकदम। साथ में प्याज चटनी वगैरह या नहीं देते हैं, भटूरे हैं अपने, भटूरा चेक कर लेते हैं, एक बाइट खा के देखेंगे। आप देखेंगे तो भटूरा भी सॉफ्ट सही है, बढ़िया है काफी, बढ़िया सी प्याज के साथ। भटूरे बहुत बढ़िया है, टेस्टी है। साथ में 10 रुपए का ग्रास भी मिलता है, उसके कॉस्ट अलग है। मेरठ में पिंकी छोले भटूरे ट्राई जरूर करना, बहुत अमेजिंग है। मिलते हैं अगली वीडियो में, देख के रिपोर्ट।